मैं रायपुर में फर्स्ट टाइम हो रहा है। जस मानक पंजाबी सिंगर जो है काफ़ी फेमस, उनका कॉन्सर्ट तो वो देखने भी जा रहे हैं हम। और साथ ही छत्तीसगढ़ का फर्स्ट स्टारबक्स खुला है, वहाँ जाने की कोशिश करेंगे आज। और एक फ़ोटो जो ग्राफी के इक्विपमेंट्स का एग्जीबिशन है, तो ये सारी जगह जाते हैं। संडे है, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस आज का रहता है। तो भाई हमारा रायपुर जो है काफी बड़ा हो रहा है, मेट्रो सिटी हो रहा है। स्टारबक्स खुल गया जो बहुत बड़े बड़े शहरों में रहता है, छत्तीसगढ़ का फर्स्ट स्टारबक्स। और यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया यार, ये कैसे उल्टी तरफ आ गया है गाड़ी। ओहो, ये कौन सी गाड़ी है, स्विफ्ट है शायद, नहीं i20 है। तो वाट लग गई इसकी, क्या हुआ इसको, घिसटा गया है पूरा। अरे बाप रे, इस तरफ से कूद गया गाड़ी। देखिए भाई, आजकल छोटे छोटे बच्चों को लोग कार दे रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक और सोशल मीडिया के चक्कर में बहुत ज़्यादा यंग लोगों का एक्सीडेंट देखने मिल रहा है। तो बहुत सावधानी से चलाएं गाड़ी, और बहुत कम एज वालों को तो ना ही दें, और समझाइश के साथ दें। तो मैं क्या बता रहा था कि रायपुर जो है बड़ा शहर बन रहा है, और स्टारबक्स बड़े बड़े शहरों में होता है, वो यहाँ पर आ गया है छत्तीसगढ़ का फर्स्ट स्टारबक्स। तो हमारे एक भाई हैं विशाल निर्मलकर भाई, वो हमको नई नई चीज़ों का हमेशा इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। चलिए, तो आज आपको पहले फोटोग्राफी इक्विपमेंट एग्जीबिशन दिखाते हैं, क्योंकि वो 5 बजे तक है, अभी 4:33 हो गया, पता नहीं हमको देखने मिलेगा नहीं, वो जाके पता चलेगा। उसके बाद स्टारबक्स, उसके बाद कॉन्सर्ट। इनको जस मानक पता नहीं है, वो ये है भाई, देख लो ये गाना चल रहा है जो, और भी गाने में बैकग्राउंड में डाल दूंगा म्यूजिक में। एडिसन ब्लू जैसा हमारे भाई ने बताया हमको, मॉल जिसमें हयात वगैरह है। स्कॉर्पियो भी यहाँ पे आ गई है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय IGKV उधर से इस गेट में तो नहीं है, अगले में देखते हैं भाई। यू टर्न मार के आए हैं, पहुंच गए वीडियो फोटो ट्रेड फेयर में। यार ऐसी जगह जाने में बहुत मजा आता है, इक्विपमेंट देखने में, खरीद ना पाओ भले ही, देखने में और उसके नॉलेज मिलती है गैजेट्स के जो फोटोग्राफी से रिलेटेड है, तो बहुत बढ़िया मजा आता है। कलेक्टर आए हुए हैं, समापन समारोह हो रहा है। तो ये देखिए कलेक्टर जी की गाड़ी है, कलेक्टर महोदय के लिए हमको थोड़ा जगह छोड़ के यहाँ पार्क करना होगा। वेलकम। तो ये सब माहौल है अंदर का भाई, हेड लगे हुए इधर। फ्री फीस है यहाँ पे 100 रुपए, भरते हैं अपना नाम, ये कार्ड बना लिया है, और ये 100 रुपए लगे एंट्री फीस के। इको हील दे नाल मैं कटिया एक साल वे, मैनू कदे तले जे कर तू शॉपिंग माल वे, मैनू लहंगा ले दे महंगा जा मर जानिया, इन्ने पैसे दस तू कित्थे। कैमरॉन की लेंसेज है, वो इक्विपमेंट देख रहे हैं, काफी सही लग रहा है, मजा आ रहा है। इधर तो जेरोक्स की मशीन लगी हुई है, DJI की जिम में। ये था भाई एग्जीबिशन, अभी चलते हैं नेक्स्ट जगह पे, काफी मजा आया यहाँ पे, 100 रुपए तो वसूल हो गए। आ गए पार्किंग में, गाड़ी उधर डाल दी है, अब चलते हैं देखते हैं क्या सीन है। गाड़ियां तो बहुत आई हुई है यहाँ पे, बहुत हाल नहीं छोटे, बहुत ज्यादा कैन मंडा सभी पीछे मेरे में तेरे पे लट्टू बैड बंदा मैं। तो ये है भाई आउटसाइड ऑफ हुकुम्स ललित महल, सारे लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। 7:20 हो गया है, तो लोग फोटोग्राफी करके काम चला रहे हैं, बहुत भीड़ है भाई, और लाइन ही लाइन हो गया है, कैंप लग गया है, एंट्री हो गई वहाँ से, और यहाँ पे है स्टेज। ये कुछ भीड़ यहाँ पे, ये VIP एरिया, मतलब नॉर्मल एरिया। उधर फैन पिट है, बोलते हैं फैन पिट, हाँ स्टेज के पास है लोग। तो अपन सस्ता वाला लिया, 800 रुपये वाला, थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल गया इनसाइडर के अंदर। चल रहा है अभी और लाइट टेस्टिंग हो गया भाई, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, बस म्यूजिक चल रहा है यार। 200 रुपए का पास्ता,
खान साहब में महंगा ही मिलता है। लाइटिंग जोरदार है भाई। दोस्तों अभी कॉन्सर्ट देखा मैंने, इसके बारे में आपको डिटेल थोड़ी देर में बताऊंगा। मैं तो डिसअपॉइंटेड हूँ, आगे डिटेल में बताता हूँ। यहाँ अंधेरा है ना तो आपको समझ नहीं आएगा। कॉन्सर्ट का ऐसा था कि जो आवाज़ है ना सिंगर की, जस मानक की, वो रियलिटी में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गा सकते हैं, वैसा लाइव गाना बहुत मुश्किल है। ऐसे कुछ ही सिंगर हैं जैसे अरिजीत सिंह और ऐश किंग, ये सारे उनमें का मैंने सुना है तो वो काफ़ी अच्छा गाते हैं लाइव में, इसलिए मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। फिलहाल तो हम आए बलबीर ढाबा के पास, खाते हैं कुछ यहाँ पे। बलबीर ढाबा भाई, आज स्टारबक्स तो आपको नहीं दिखा पाए, यहाँ पे है करेंसी टावर पे, किसी और दिन ले चलेंगे। कहाँ गया हमारा स्टारबक्स भाई? तो आज के ब्लॉग में इतना ही, अभी रूम आ गया हूँ। कॉन्सर्ट में बहुत ज़्यादा मज़ा तो नहीं आया। शुरू में डीजे सॉन्ग्स जो बजे थे, 6 बजे शुरू होना था तो डीजे सॉन्ग बजे लगभग 8 से लेकर 10 तक, तो 2 घंटे डीजे सॉन्ग ही बजे। उसमें डिफरेंट सिंगर्स के पंजाबी सॉन्ग थे। तो 10 बजे से आगे जस मानक आए तो डीजे सॉन्ग अच्छे थे, बट जस मानक का लाइव परफॉर्मेंस बहुत अच्छा तो नहीं लगा मुझे पर्सनली। आपको कुछ क्लिप्स देखे तो आपको समझ आया होगा, आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।